चलिए जी, तो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। दोनों का स्वागत है आपका। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस आप लोगों के JRF के लिए। एंड एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उनको भी हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ऐसे हमें फॉर्मेट चेंज करते रहना पड़ेगा जब और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। दो तीन ने और भी करना है जिन्होंने कन्फर्मेशन दिया था। ओके, सो बताइए भाई, एक एक करके क्या एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से हैं आप लोग। तो हम शुभ्रता से शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा होता ना बायसनेस, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बट चलो शुभ्रता से शुरू करते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं, कैसे इनकलकेट लर्निंग आपको मिला, मतलब ऐसे इंटरव्यू की तरह क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, नर्वस नहीं होंगे आप भी और मैं भी। सो इन जनरल पूछते हैं कहाँ से हैं, कहाँ से शुरू की चीज़ें और क्या कर रखा है। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ आपके वजह से हूँ, और मैं जो भी आज तक मतलब नेट हो या JRF, मेरा ये सब जानी सिर्फ आपके लिए ही पॉसिबल हुआ है। अच्छा। तो मैं आसाम से हूँ और मैंने अपना मास्टर्स MA इन एजुकेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी से किया है, आसाम से। हाँ, तो 2021 में ही मेरा कंप्लीट हो गया था। तभी से मैंने ये नेट के प्रिपरेशन सीरियसली करने का सोचा, और मैं एक कॉलेज में भी अब ज्वाइन मतलब पढ़ाती भी हूँ, तो ऐसा ही चल रही थी। और इस बार ऐसे करके आप इनकलकेट लर्निंग से मैंने 2022 में, जब अक्टूबर का अटेम्प्ट था, तब मैंने बहुत सर्च किया था कि काश कोई एक जैसी मतलब यूट्यूब चैनल अच्छे से मिल जाए, कि जहाँ से सब कुछ एडुकेशन सब्जेक्ट में पॉसिबल हो, कि सबसे ऑल सेट करके मिल जाए। तभी बहुत सर्च करने के बाद आपका चैनल मिला, और तभी से आज तक मैंने सिर्फ आपको ही मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया है, और सब लोगों से आपके बारे में ही रिकमेंड करती हूँ। और मुझे बताया कि अच्छा लगा है कि जिस दिन हमने नेट का एग्जाम इस बार देने के लिए गया था, सबने बोला था कि कहाँ से पढ़ी हो, सब लोगों ने बोला कि इनकलकेट लर्निंग से ही हमने पढ़ाई की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हुआ मेरा मतलब। अरे थैंक यू। यही इन्होंने मेल भी किया था कि मेरी एक स्वीट सी सिंपल सी स्टोरी है जो मुझे शेयर करनी है। सो थैंक यू सुब्रता, थैंक यू सो मच। शाहिद पे आते हैं, आप बताइए इन जनरल थोड़ा सा कि कहाँ से क्या शुरू हुआ, और आपने शाहिद सर लिख रखा है, सो आई थिंक आप भी कहीं पढ़ाते हैं, मैं ऐसा अज्यूम कर रही थी। जी मैम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैम आपके बारे में मुझे मेरे एक साथी ने बताया था, और उन्होंने आपके वीडियो का एक लिंक शेयर किया था। मैं मतलब 2021-22 सेशन में MEd कर रहा था, तो MEd में क्योंकि मैं रेगुलर से ऐसा यूनिवर्सिटी है हम लोग का कि 80% अटेंडेंस चाहिए, और बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत बिजी रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, और उसके साथ साथ मैं खुद भी पढ़ा रहा था, तो टाइम बहुत कम मिलता था। तो उसमें क्या है कि 15-20 दिन बचा हुआ था। अच्छा। तो मैं बोला कि कोई शॉर्टकट तरीका बताओ भाई, कम से कम निकल जाएगा शॉर्टकट। तो उन्होंने शेयर किया, तो मैं जाके देखा, तो वीडियोस का लिंक शेयर किया, तो मैं बोला कि भाई वीडियो एक एक देखेंगे तो उतना टाइम नहीं है, तो कोई रामबाण तरीका बताओ भाई। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो है तो आप सर्च कीजिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर आपका जो है हर यूनिट का जो बना हुआ है, तो उसको मैं जाके मैराथन में जाके जाके देखा, तो बहुत ही मतलब जितना चाहिए था उतना मिल गया है ना, ज्यादा मतलब हम चाहते थे कि इतना रिसोर्स ऐसा मिले कि काम चल जाए कम से कम उस दौर में। तो मैराथन में जो है सो सफिशियंट इतना मटेरियल था कि उससे नेट एकदम आंख बंद करके निकल जाएगा। तो मैं इवन क्या हुआ, पटना में मेरा सेंटर था, मैं बिहार से हूँ, तो सेंटर पे पहुंच गया था सवेरे, और उसके बाद वहां पे ढाबा है, तो वहां पूरी सब्जी खा रहा था, और आपका वीडियो जो ऑल यूनिट का मैराथन है वो लगा के मैं सुने जा रहा था, बस सुन रहा था कान में, और उससे भी 2 क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ गया था। ये मैं पहली बार का बता रहा हूँ आपको। तो पिछले बार जब मैंने आपको द मैथमेटिशियन शो के नाम से मेल भी किया था, तो उस समय मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। okay. और 91 मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, 93 नहीं हो पाया था, 93 कट ऑफ किया था OBC का। तो उसके बाद जो है दोबारा में तो फिर सोचना ही नहीं था, क्योंकि पहले नेट हो गया तो JRF के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर। बिल्कुल, तो फिर जो है आप उसी तरह आपको फॉलो किया, और मैं सच बताऊं तो आपका पूरा वीडियो आज तक नहीं देखा हूं, बस वही है कि सम पे ही मैं डिपेंडेंट रह गया, और जो आपका प्रीवियस ईयर आपने करा के रखा है उसको देखा,
और जो आप प्रीवियस ईयर करवाते हैं उसमें जो कोई कोई ऐसा है जो इसको आप अगले वीडियो में क्लियर करते हैं तो उसे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यही सब देख के मोटिवेशन भी आपसे मिलता था, आपका एज वगैरह देख के कि इतने कम एज में आपने इतना कुछ हासिल किया और अपनी बदलत किया है, तो एक ऊर्जा भी संचार होता है अपने बॉडी में कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझसे शेयर किया। और कोई हमसे अब पूछता है कि भाई कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि हम लोग का भी इस साल फाइनल हो गया, तो हमारे जूनियर्स भी या साथी भी पूछते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि उन पहले पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े थे, तो हम सोचते हैं कि क्या बताएं भाई को, है ना, लेकिन वो खुद पूछते साथ कि इनकलकेट लर्निंग से पढ़े थे क्या, उनको भी पता है। तो यानी आप पूरा फैल चुकी हैं पैन इंडिया में, पूरे भारत में बच्चे आपको देख रहे हैं ना, एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, आप किसी नाम के मोहताज नहीं है कि हाँ भाई कोई को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि मैम ये हैं, तो सब बच्चे जानते हैं। बस एक बार इनकलकेट से तो बच्चे पढ़ते ही हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा रिसोर्सेज से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें एक रिसोर्स आपका है कंफर्म, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। अरे हिंदी मेरे लिए ये सपना साकार होने जैसा है, मेरे लिए सपना साकार होने जैसा कि मैं आपसे वीडियो कॉल पे चैट कर रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। थैंक यू मैम। अरे थैंक यू सो मच। शायद इनके मार्क्स पे भी आएंगे सबके पे। पहले राज और निहा, आप दोनों अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, एंड प्रवीण, प्रवीण पे आते हैं, इनका इस बार नेट जेआरएफ दोनों ही क्लियर हुए हैं। राज तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, शायद हॉस्टल में लाइट ही ना हो में भी। नहीं मैम, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही बुरा है, मैं पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि वो कनेक्ट हो जाए ये वीडियो कॉल, लेकिन अभी मैं बाहर आ गया तो हुआ, घर के अंदर जाऊंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा और कनेक्ट भी नहीं होगा। ओके ओके, चलिए कोई नहीं, पहले हम प्रवीण से बात करते हैं। ये नेट आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इनकलकेट लर्निंग पे आप लोगों को देखेंगे स्टूडेंट्स। नेहा आप भी ऑन कर सकती हैं, एंड प्रवीण बताइए, आप बताइए कहाँ से हैं आप और कहाँ से पढ़ाई शुरू की और क्या स्टोरी है छोटी सी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल। आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट मैम यू, विदाउट यू वी विल नॉट बी हियर टुडे, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। Thank you so much. I am from Odisha, and I have completed my post graduation in physics from North Odisha University Baripada in Odisha, and currently I am pursuing integrated B.Ed. M.Ed. It is a 3-year course from Maharaja Sri Ramachandra Bhanjodeva University in Baripada. So after my 4th semester, I decided to prepare for UGC NET examination. And when I downloaded the NET syllabus, I found that many of the units are overlapping with my current syllabus. So I decided to prepare, as I have a foundation for the education from last 3 semesters. So I decided to prepare. Now I searched blindly on YouTube about UGC NET education. And YouTube somehow now recommends your videos on top priority basis, and I blindly followed you, and I have followed all the marathon lectures specifically. Although I have time constraints, so I prefer your marathon videos, and completed all the 10 units, 10 marathon videos within 30 to 45 days only. Completed everything, and sat for examination, and. Got 196 marks in my first attempt and cleared UGC NET JRF in my first attempt. Thank you ma'am, thank you. Arre, congratulations. And you understand Hindi, because I speak in Hindi usually when I yes ma'am, yes ma'am, samajh raha hu. ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। मतलब हमारे पास आपके हर वीडियोस तो हिंदी में ही है। हाँ समझाने में हिंदी में ही है, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो हमारे पास आसाम है, बिहार है और ओडिशा भी है। राज आप अभी कैमरा ऑन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिख जाए तो आपकी शक्ल, ठीक है? राज नाम तो सुना ही होगा वाली, बाहर लाइट के सामने हूँ तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। राज ने लास्ट टाइम जो है जीआरएफ क्लियर किया था, लास्ट टाइम इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था,
तो बताइए भाई कहाँ, इनफैक्ट इन्होंने मुझे आज बताया कि इनको किसी और प्लेटफॉर्म ने भी बोला था इंटरव्यू देने के लिए लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा प्लान किया नहीं था, तो इन्होंने दिया ही नहीं उनको इंटरव्यू कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ आपसे तो बताओ भाई। हाँ मैम, मुझे मुझे कहा था तो पता नहीं उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, वो उनका मैटर है, मुझे किसी ने कहा था तो मैंने बताया था सॉरी मैम, मैं तो आपसे पढ़ा ही नहीं, मतलब आपका प्लेटफॉर्म का नाम भी मैं नहीं जानता था एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद मैंने सुना वो यूट्यूब फीड में रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया था तो लेकिन मैंने आपके चैनल का नाम बता दिया कि मैंने तो इसी चैनल से पढ़ा है, तो अगर मैं ऐसे अगर वीडियो में आ गया तो ये तो बहुत ही बुरा होगा ना कि मैं पढ़ू किसी और से और वीडियो में बताऊँ किसी और के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बातें, तो मतलब मेरा दिल ने मना किया मुझे ये नहीं करना चाहिए मुझे। चलो मतलब वो टीचर वाली जो एथिकल वैल्यूज हैं वो आपकी जागी अंदर से। हाँ, और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो इसीलिए मेरा हिंदी बहुत बुरा है, मैं किसी भी तरीके से समझा सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वो मतलब हिंदी भी मेरा सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होगा शायद, तो नहीं, वो नहीं, थोड़ा भी एडजस्ट कर काफी अच्छी है मतलब। हाँ अच्छा, अच्छी में गड़बड़ होती है वेस्ट बंगाल में, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अच्छी है फिर भी। आप बोलिए आपने कैसे तैयारी की थी वो बताइए। तो मैम सबसे पहले तो मेरा तैयारी था ही नहीं कि मैं वो यूजीसी ने दिसंबर 2022 था तो मेरा वो कोई टारगेट था ही नहीं, मेरा टारगेट था दिसंबर 2023 जो सामने आने वाला है, और मतलब और तब मैं मतलब विश भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं थर्ड सेमेस्टर में बस था एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, इससे पहले कभी भी यूजीसी नेट दिया भी नहीं था, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरा क्लासमेट्स तब नेट पास कर चुके थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी तक एक एग्जाम भी नहीं दिया तो एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना चाहिए, दिल से बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन तो शुरू किया जनवरी की एक तारीख से, और वो भी मैं एक कैंप पे था, और 29 दिसंबर को अचानक से नोटिफिकेशन आया कि फेब्रुआरी मार्च में एग्जाम होगा, तो फेब्रुआरी के 21st में एग्जाम होने का वो फर्स्ट जो एग्जाम होना था, तो मैं तब कैंप पे था, मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं कि मतलब मेरा दो दोस्त थे, मैं जो नहीं बता सकता किसी को, मैं बुरा भी नहीं कर रहा है, मुझे मतलब हम लोग ऐसे ही गॉसिप कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि इस बार तो नहीं हो सकता, ये अचानक से नोटिफिकेशन दे दिया, चलो जून के लिए ट्राई करते हैं, और मैंने तब पता नहीं क्यों बताया कि चलो जून के लिए तो ट्राई करेंगे, अगर मैं फेब्रुआरी को टारगेट रखता हूँ और मेरा जितना भी होगा वो जून से तो ज़्यादा ही होगा फेब्रुआरी तक जो मैं जाकर जून को टारगेट रखता, तो ऐसा करके बस। और एक चीज बताऊँ तो मुझे ना आप पता नहीं था कि आपका पेपर वन का भी वीडियो है, तो मैंने पेपर वन का इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा, तलबीर सिंह नाम का एक सर है, कुमार भारत नाम का एक सर है, तो और भी तीन चार यूट्यूब चैनल है, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा। उसके बाद आपको मैंने पिछले तीन चार सालों से, तीन चार साल तो नहीं होगा शायद, कॉलेज के आखिरी से मैंने आपको सबसे पहले देखा था, ये तो ज्यादा हो गया नहीं, हाँ तीन चार साल नहीं, कॉलेज की एकदम आखिरी में जब ऑनलाइन हमारा पढ़ाई हो रहा था तब मैं आपको सब्सक्राइब किया था, और अगर ऑनेस्टली बता दूं तब आप साउंड ऑनेस्टली मतलब पे आपकी आवाज कट गई, ऑनेस्टली ऑनेस्टली के बाद लाइन मैम बहुत ज्यादा जोर से बोलता है, तो मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो आपका जो साउंड था तब मतलब मुझे लगता है कि मेरा कान में थोड़ा सा चुभता है मैम का साउंड, आप थोड़ा ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को बताया था ये, मैम मेरा एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था एक दिन कि तू इनकलकेट लर्निंग से पढ़ सकते, मैंने कहा इनकलकेट लर्निंग, अच्छा वो मैम ना वो जो बहुत यंग है और वो उनका बात से बहुत ज्यादा चुपते है कान में वो, तो हाँ मुझे बोला कि हाँ यही वही मैम है, तो मैंने सोचा कि पेपर वन मैंने जब जनवरी के मैंने दो महीने का टाइम था, मैंने ये सोच लिया था कि एजुकेशन का एग्जाम तो आखिर में ही होगा, मिनिमम मुझे मार्च तक तो टाइम मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं जनवरी का महीना पूरा का पूरा पेपर वन के लिए और फरवरी का महीना पूरा का पूरा एजुकेशन के लिए दूंगा। तो मैंने फरवरी के एक तारीख को मैंने आपके चैनल को देखा कि पेपर 10 वीडियोस अवेलेबल है, और चलो देखते हैं फिर वो, तब मैंने मैराथन वन देखना शुरू किया, और किसी भी तरीके से एक हफ्ता जब मैंने देखा तो मेरा पूरा एडजस्ट हो गया, जब पहले मुझे ऐसा लगता था कि आपका वॉइस बहुत ज़्यादा फास्ट है, एडजस्ट मतलब स्लो करके सुनता था मैं, और फिर मेरा ऐसा हुआ जब फरवरी खत्म होने आया कि मैं आपका वीडियो 1.75 स्पीड में 2x स्पीड में देखता था, मतलब देखता भी नहीं था, कान में लगा के बस बैठ जाता था, मेरे पास टाइम था बस 30 दिनों का, 10 यूनिट था,
मैं टारगेट करके रखा था कि दो दिन मैं बस देखूंगा, जितना भी पुस्तक हो सके देखूंगा और नोट लिखूंगा, उसके बाद एक दिन उसका रिविजन करूंगा। और तब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वो रिविजन भी मुझसे नहीं हुआ था, क्योंकि दो दिन में एक यूनिट खत्म करना और वो भी यूजीसी नेट का और वो भी पेपर टू का, ये तो इम्पॉसिबल था। इसीलिए मैं हर चीज मैंने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन जो आपकी वीडियो में था वो मैंने कंप्लीट किया था। वीडियो मैंने, मुझे इतना भी याद है कि एक दिन में यूनिवर्सिटी के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था यूजीसी नेट का, तो उस दिन रात को मैंने एक हार्ड कॉपी बनाया और ये कहा कि आज रात तो ये यूनिट खत्म करना ही है। और वो कॉफी ऐसा था और टेंशन ऐसा था कि पिछले 3-4 दिनों तक मैंने वो वहाँ पर सो नहीं पाया था। ऐसा किया मैंने कि वो पहले तो डिवाइड कर लिया कि दो दिन पढ़ूंगा एक एक यूनिट, मतलब मैम ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा तो प्रिपरेशन था ही नहीं कि मैं इस बार GRF लाऊंगा। और किसी भी तरीके से मैंने, जब नोटिफिकेशन आया कि हमारा एग्जाम 14 मार्च को होगा और मार्च महीने भी आ गया, मार्च की 1-2 तारीख में मैंने हर एक वीडियो कंप्लीट कर लिया। वो आपका एक सेटिंग एंड इंक्लूसिव क्लासरूम वाला जो आखिरी यूनिट का भी था, इसी के साथ मिलाया हुआ 12 वीडियो है आपका, तो वो मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आर गुप्ता का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आया था, तो मैंने उस बुक्स को लेकर, आपने कहा था कि 2018 से करो तो वो बहुत इनफ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने 2018 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठ गया। और मेरा जो दो दोस्त थे वो हर चीज में मेरा सपोर्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बताया कि ट्राई करो देखो कितना होता है। तो मैंने देखा, जब पहली बार मैंने 2018 की जुलाई का जो पेपर एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने ट्राई किया तो 99 करेक्ट हुआ, तो सॉरी मैम 97 करेक्ट हुआ। तो मैं तो मतलब ये सब इतना रिसेंट है मेरे लिए कि मुझे हर चीज़ याद है। तो मैंने उनको बताया तो वो लोग बताए 97, मैंने बोला ठीक है चलो देखते कट ऑफ कितना था उस साल, देखा ये तो GRF के पार कर रहा है, तो मेरे अंदर धीरे धीरे होप बढ़ने लगा कि हो सकता है मुझसे। मतलब हर एक दिन ऐसा होता था कि सुबह मैं पढ़ूँ, जो भी मैंने आज तक लिखा है वो रिविजन दूँ, उसके बाद दिन में पेपर दूँ, पूरा 3 घंटा एक टाइम सेट करके, अलार्म सेट करके, मोबाइल को साइड में हटा के, बिल्कुल बस एग्जाम का सेंटर नहीं है लेकिन हर जो सुविधा है वो एकदम जैसा ही है, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है मेरे लिए। कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं यूज कर सकता। तो ऐसा करके मैंने हर एक दिन हर एक पेपर दिया, और पहले 97, फिर 99, 111, फिर से 104, 103, ऐसा करके मैंने आपको कमेंट किया था मैम, जो मेरा जो मीन आ रहा है, हर एक एवरेज आ रहा है वो 104 का आ रहा है, तो मुझे नर्वसनेस हो रहा है कि ऐसा शायद एग्जाम हॉल में हो पाएगा क्या, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लिया ही नहीं। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं डिजर्व करता हूँ ही नहीं इतना नंबर, मतलब मुझे ऐसा लगा और शायद ठीक ही लगता है मुझे, क्योंकि बस 2 महीने और उसके अंदर 1 महीने पेपर 1, 1 महीने पेपर 2। और मैं एक चीज में तो कंफर्म था कि जब मैं पेपर 1 पढ़ रहा हूँ तब मैं ये टेंशन भी नहीं करता था कि मेरा पेपर 2 कैसे खत्म होगा, और जब मैं पेपर 2 पढ़ रहा हूँ तब अगर मैं पेपर 1 भूल भी गया तो मैं ये टेंशन नहीं करता था कि मैं मुझे फिर से पेपर 1 पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने कमिटमेंट किया था कि 2 महीने के अंदर 20 दिनों के अंदर पेपर 1 खत्म करूंगा, फिर 10 दिन रिविजन दूंगा, और फिर अगले महीने में 20 दिन के अंदर पेपर 2 खत्म करूंगा, फिर 10 दिन का रिविजन दूंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, तो ये जो मैप था ये मैंने फॉलो किया था, और शायद यही राज है और आपका वीडियो का जो कंटेंट है, क्योंकि और पिछले दिन मैंने कमेंट हटाया नहीं था, मैं भी बाद में, तब मेरा एक क्लास था इसलिए मैंने लाइव में नहीं आया था, तो पहले कमेंट करके फिर क्लास में गया था, तो बाद में आके देखा कि कमेंट डिलीट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मतलब मुझे ये कहने में कोई दोष नहीं है कि मैं राजमधु ये जीता जागता प्रूफ हूँ कि आपके वीडियो का 2 महीने पहले जो फ्री क्लासेस थे उनसे भी GRF क्रैक किया जा सकता है, बस रूटीन फॉलो कीजिए, वीडियो को हर एक बार सुनिए। और पहले तो मैंने अपने दोस्तों को जब बताया था कि ये जो 10 वीडियो है मैं इसी को फॉलो करूंगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो वो लोग जस्ट ऐसे कि 10 वीडियो से हो जाएगा 10 वीडियो से तो मैंने वो 10 वीडियो कंप्लीट किया। उसके बाद आपने छोटे छोटे बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाए हैं, मैंने वो भी देखा उनसे। सबसे पहले तो मैंने आपने जैसा लिखा है वैसे बुलेट पॉइंट में नोट लिखा, मेरा जो नोट है और आपका जो वीडियो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसा होता है पावर पॉइंट बिल्कुल सेम है सब कुछ। और ऐसा हो कि मैंने प्रिपरेशन करने के बाद मतलब जब मैंने पहले सोचा था कि एक बार देख पाऊंगा क्या, क्योंकि 6-6 घंटे का वीडियो है, कुछ 1.5-2 घंटे का भी है, लेकिन 6 घंटे का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिसर्च के पेपर का, साइकोलॉजी के पेपर का। हाँ, तो मैंने आखिर में ऐसा हुआ
कि पहले तो 6 घंटे का वीडियो मुझे कंप्लीट करने में 2 दिन लगता था, और जब आखिरी के दिन आए तो 1 दिन में 2-3 वीडियो कंप्लीट हो जाता था, 2x स्पीड, कानों में हेडफोन, और मैं घर में बहुत सी काम मैं खुद करता हूँ, तो खाना बना रहा हूँ मैं खुद, या फिर बाहर कुछ कर रहा हूँ, कानों में हेडफोन लगाए और उसमें कंटेंट चल रहा है, और मैं याद कर रहा हूँ कि हाँ इसके बाद तो ये आएगा, मैम ने इसके बाद ये पढ़ाया था, तो मैं पहले से याद करता हूँ कि ये कौन सा चीज़ पढ़ाया था। तो मैम मैं आपको तब भी मैसेज किया था, आप भी सबके सामने कहता हूँ कि आपके वीडियो की वो रीज़न है जिसके लिए मैं GRF क्रैक कर पाया, क्योंकि मैं तो उस साल के लिए या फिर उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर भी नहीं रहा था। अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल ओवरवेल्म हो रखे हैं राज भी और मुझे भी, ऐसे स्माइल आ रही है आप लोगों की कहानी सुन सुन के कि हाँ मतलब पहली बार मजा आ रहा है कि मैं सामने से सुन पा रही हूँ, नहीं तो मैं अकेले ही रूम में बैठ के बोलती रहती थी, आज मैं सुन भी पा रही हूँ देख पा रही हूँ, सो इट्स वेरी ओवरवेल्मिंग। एंड हाँ जिनको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये मैं मतलब कोई ईगो या फिर अहंकार जो बोलते हैं वो कुछ नहीं है, बस ये ही बताने के लिए, और मैं किसी को छोटा भी नहीं सोचता, किसी को बड़ा भी सोचता हूँ जरूर, मुझसे बहुत बड़ा बहुत लोग हैं। तो जब मैंने क्रैक किया था तो मैं शायद मैं थर्ड सेमेस्टर में था, और फोर्थ सेमेस्टर के मतलब अभी फोर्थ सेमेस्टर चालू नहीं हुआ था, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो गया था, तब मेरा रिजल्ट आया था, एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर में हुआ था, तो मैं सोचता हूँ कि वो थर्ड सेमेस्टर है। और बहुत जूनियर या फिर जो भी मुझे पूछता है कि कहाँ से पढ़ूँ मुझे प्रिपरेशन बताओ, तो मैम ये बस कोई बताने के लिए नहीं है कि आपसे वीडियो कॉल में जुड़ा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, मैंने हर एक को बताया, वो एक यूनिट है सर्च करना इनकल्केट लर्निंग UGC नेट पेपर 2 प्लेलिस्ट, देखना 12 वीडियो का एक प्लेलिस्ट आएगा, उसमें 10 वीडियो तो यूनिट के नाम से होगा और दो वीडियो ऐसे ही होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम का BEd का, देखना हाँ वो पढ़ लेना, और वो भी मुझे बताते 10 वीडियो से हो जाएगा, भैया आपने श्योर 10 वीडियो से प्रिपरेशन किए थे? और मैं तो मतलब ये उन लोगों के लिए कुछ अनबिलीवेबल होता है कि ये तो 10 वीडियो से नहीं, ये मुझे अपना राज बता नहीं रहा कैसे प्रिपेयर किया, और ये तो 2 महीने में नहीं पढ़ा, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि ये जरूर मतलब फेक रहा है, ये 2 महीने से नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं जब मतलब वो लोग जब भी मुझे पूछते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करूँ, मैं बस बोलता हूँ वो 10 वीडियो देखना, और उन्हीं वीडियो में कुछ छोटे छोटे वीडियो को रिकमेंड करेंगे वो वीडियो जरूर जाके देखना, और फिर POIQ लगा लेना हो जाएगा। और मतलब वो लोग बस डाउट ही करते रहते कि ये आपने बताया या नहीं, आपने राज जो भी है हाँ ये राज राज छुपा रहा है कैसे क्लियर किया। तो हाँ क्योंकि वो वीडियोस मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था जिन्होंने लाइव देखा होगा कि वो वीडियोस मैंने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन बनाई थी, कि मैंने खुद सारा मटेरियल जो पढ़ा था इधर उधर से वो कंबाइन करके, मुझे लगता है मैंने उससे ज्यादा मेहनत कभी नहीं की, ना बाद में की है चैनल पे ना पहले की, बट हाँ उन मैराथन्स में बहुत मेहनत थी जो मैंने लाइव ली थी, और उस टाइम पे तो लाइट भी चली जाती थी, इनफैक्ट 9th यूनिट के दौरान लाइट भी गई हुई है, वो वन आर का इश्यू हो रखा था, दो वीडियो से बाहर, हाँ दो पार्ट हो रखे हैं उसके। सो चलो अच्छा प्रवीण का एक क्वेश्चन था कि इंटरव्यू के दौरान PhD में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जितना मुझे आइडिया है इंटरव्यू के दौरान आपसे रिसर्च पूछा जाता है, ठीक है, तो रिसर्च वाली यूनिट को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें क्योंकि आपको रिसर्च ही करना है आगे, तो सैम्पलिंग रिसर्च का प्रोसीजर जो आपने साइनोप्सिस में किया होगा या डेजर्टेशन बनाते टाइम किया होगा ड्यूरिंग मास्टर्स, सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है, सो वो चीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज वो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल बातचीत ही करते हैं आपसे कि भाई क्यों लेना चाह रहे हो एडमिशन, क्या करना है, या जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांग लिया वो पूछेंगे कि किस मतलब इसी टॉपिक पे क्यों, और बहुत जगह पे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या टॉपिक को लेके आप थोड़े से जो है वो हैं क्या फ्लेक्सिबल हैं कि अगर चेंज करना पड़े तो क्या कर लेंगे, या बिल्कुल इसी पे ही काम करना है, सो वो सब चीज़ें होती है, बाकी टॉपिक को लेके फ्लेक्सिबल ही रहिएगा क्योंकि जो आप सोच के जाते हैं हो सकता है उस टीचर का काम वैसा ना हो, किसी और टॉपिक पे काम करा रहे हो, सो वो बेटर रहेगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे टफ वाली सिचुएशन नहीं है, बिकॉज अभी एक स्टूडेंट का उन्होंने मैसेज किया था मुझे इंस्टा पे और वो पूछ रही थी कि बनस्थली यूनिवर्सिटी जो है उसमें उनका इंटरव्यू आया था, तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद, क्योंकि बनस्थली में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी है ये राजस्थान में A++ ग्रेड की, सो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उनको भी बेसिक यही चीज़ बोली थी और उनका आराम से हो गया था, सो वो बेसिक सी चीज़ें हैं, बस रिसर्च थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए अगर हो पाए तो,
ठीक है, और ज्यादा कुछ ऐसे लिख के रखने वाले क्वेश्चन नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि आपने जेआरएफ किया है, अभी किया है तो चीजें पढ़ी हैं रिसेंटली, सो वो आराम से जो है चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग भी स्ट्रेटजी बता दो भाई। चलो शुभ्रता आप बता दीजिए, सारा का सारा राज ने तो पूरा राज आज खोल ही दिया, ठीक है। बट हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसे जरूर होता है कि क्या सिर्फ इतना करने से हो जाएगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो बार बार रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं, तो उनके कमेंट्स का आंसर आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है ये, सारों का जेआरएफ हो रखा है फिलहाल। और शुभ्रता आप बताइए पहले। हाँ मैम, सॉरी मेरा मतलब कुछ हेल्थ का इशू है। अरे हेल्थ का सब मतलब, हो रखा है आजकल, बस ध्यान रखा कीजिए भाई, बताओ। ठीक है, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम 2022 में जब मैंने अक्टूबर के लिए प्रिपरेशन किया था, उस दौरान मैंने सिर्फ आपका वीडियो ही देखा था। और मेरा मैम कॉलेज में मैं असमीज मीडियम से पढ़ती थी, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर था उस समय, मतलब इतना जो भी मैंने आज तक पढ़ाई की है तो अच्छे से, मतलब बहुत समय नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जो भी टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, तो इसलिए मुझे आपके वीडियो एक ही बार में मुझे समझ में आती थी जब भी देखती थी, तो इसलिए मुझे बहुत हार्डवर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने नेट के टाइम हार्डवर्क भी किया था, और आपसे देख कर कि आपका वीडियो देख कर के ही मैंने ये यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाकर नोट प्रिपेयर किया था कुछ दिन, और फिर आपका लाइव क्लासेस भी अटेंड किया था, और मैराथन जो लास्ट दिन लीज में मैंने तो आपको भी बताया भी था उस टाइम में मैंने आपका मैराथन 5-6 टाइम से रिवाइज किया था नेट के दौरान, तो मेरा बेसिस बहुत क्लियर, मतलब क्लियर हो गई थी, तो तभी जाके, लेकिन वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से मतलब अपीयर नहीं हो पाया, तो कुछ मार्क्स से मेरा जेआरएफ रह गया। लेकिन इस बार क्या बताऊं कि मेरा, आपको भी मैंने बीच में मैसेज भी किया था कि मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से अभी इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, तभी जाके ऐसा लगा कि अरे मैम से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगी और नहीं, ऐसे लगा था। तो मैंने क्या किया, जम करके किसी और का भी वीडियो देखा, आपका भी देखा था, मैसेज भी किया था ना। हाँ हाँ, मैंने मैसेज भी किया था इतना सारा देख के। हाँ मैम, तो मैंने क्या किया था, मतलब आपका अभी मुझे विश्वास ही नहीं आया हो रहा है कि आपके सामने मैं ऐसे करके बैठ रही हूँ। आपका वॉइस तो मैं हर रोज मतलब ट्वाइस एक्स में ही देखता था अभी थोड़ा स्लो सा फील हो रहा है। तो मतलब ऐसे करके, हाँ मैं भी अपने मतलब रेंट में रह रही हूँ, तो मैंने जब भी टाइम मिलता है कि खाना बनाने के टाइम में भी मैं हर समय मतलब जब भी टाइम मिलता था आपका वीडियो हेडफोन में लगा कर भी मैं रिवाइज करता था उस समय। और अभी क्या हुआ कि मैं दूसरे चैनल से भी मतलब पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाती थी कुछ समय के लिए। तो मैंने क्या किया, फिर से आपका भी चैनल रिविजिट किया, तो ऐसे करके करके मुझे लगा कि लास्ट में नहीं, मतलब मुझे तो पढ़ना सिर्फ इनकल के लर्निंग से ही है, शायद जो भी हो जाए, लेकिन मुझे पहले से जो मतलब मैंने आपको ही गुरु माना है, तो मैं लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि मैं मैम से ही देख के जाऊंगी। तो ऐसे जैसे तैसे करके मतलब मैंने इस बार, अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी मेरा टोटल मार्क था 188 इस बार, तो मुझे नहीं लगा था कि क्लियर हो पाएगा जेआरएफ इस बार, तो मैंने आपको बताना ही वाली थी कि मैं जेआरएफ के लिए मतलब दिसंबर के लिए सीरियसली पढ़ाई करूंगी, तो लेकिन वो हो जाता है कभी कभी ऐसे, इस बार कट ऑफ ड्रॉप हो गए। हाँ, तो EWS में मुझे अब 188 स्कोर थे मेरे इस बार, तो मैंने मतलब मैं स्ट्रेटेजी के तर यही बताऊंगी कि जो भी मतलब आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वालिटी टाइम बहुत मैटर करता है, और जब भी पढ़ते हैं तो तब भी मतलब फोकस बहुत जरूरी होता है कि ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, ये करना नहीं चाहिए। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ, जो भी है मतलब खुद पर बिलीव रखना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं, और आप तो यही, अगर कभी डिमोटिवेटेड हम फील करते हैं तो आप बहुत
हमें मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जुनून से और आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए ये JRF। तो हाँ, ये सब देख के और अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए थे वो भी मैंने किया था, और आपने कुछ बुक भी रिकमेंड किए थे एग्जाम से पहले, मैंने वो भी खरीद के मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था, और पेपर वन के लिए आपके भी वीडियो देखे, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे लगाए थे। तो ऐसे करके मतलब इतना खास नहीं है मेरा प्रिपरेशन, फिर भी हो गया ऐसे करके मैम। और मैं थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते तो आज ये दिन नहीं मतलब इम्पॉसिबल था। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। शायद आप बता दीजिए स्ट्रेटेजी अपनी। अच्छा, आपने तो बताया ना 15 days और वो, ठीक है ओके, आपने बताया। प्रवीण, आप बताइए आपने किस तरीके से, कैसे वीडियोस या किस सीरीज में क्या चीजें देखी? I'm coming to the whole strategy. First, I can say, first we have to remove all the fears and stereotypes about UGC NET examination. Right. The examination, I believe that the examination is not really tough. When we don't sit for the examination and see others qualifying the same examination, we think either the exam is tough or the qualified person is talented one. Right. I think this is a lame excuse. So coming to what I followed, first of all, I printed out the NET syllabus. I will recommend everyone to please avoid soft copies and have a hard copy along with you throughout the preparation. So everyone can see there are total 20 units, paper 1 to 10 units and paper 2 10 units. When I went through the syllabus, I found most of the units of paper 2 are overlapping with my BEd/MEd syllabus that I am currently pursuing. So somehow I have a foundation about the paper 2. But I decided to start from zero again. So I searched for some resource material. As I belong to physics background, so I don't have proper resource material in education subject. So I searched it on YouTube, and somehow YouTube recommends. As I have said, in top priority, your videos are always come fast in YouTube when anyone searches for UGC NET education preparation. So for paper two, I had followed only your YouTube free videos, specifically the 10 units 10 marathon videos. Right. But now. As there is ample amount of time for the next December cycle, I will suggest everyone to go through the full length videos, detailed videos, because shortcuts may not work for everyone and in every situation. So this was my paper, followed the 10 units 10 marathon, but I will recommend everyone to go through the full length videos. And for paper one, I think the syllabus of paper one is quite vast. I am saying this considering the questions that are coming in recent exams, because the questions are coming out of nowhere. So completing the syllabus of paper one will not serve the purpose. The more you practice, the more you will get here. As we all know, scoring in paper one is quite important. So I had completed the overall syllabus from your marathon videos. The comprehension in unit 3, data interpretation unit 7, mathematical part in unit 5, I think these are not included in marathon videos. So comprehension part one can do easily on his own. And the basic mathematical topics mentioned in syllabus, if someone feels he or she is weak in maths, I will suggest please do have practice that portion with special attention. Because math part will help to reach you near the threshold mark of JRF. Right. Many aspirants somehow lag in the mathematics part. Now my theory building part of paper 1 and paper 2 from your videos was somehow over. Then I was concerned about practice. In objective type exam, I believe that you have to develop an objective mind first. Right. This is not a semester examination where you will cook up your own stories and write down in papers. The objective mindset develops with the practicing number of questions. I had solved all the MCQs, that is the 20 units of for 20 units from Arihant publication book.
and I did not bought it, but I borrowed from one of my friend, and I printed the questions only because my theory part was over. Now I had to practice more number of questions, so I only printed the question portions only. Then I practiced the paper one questions also from some YouTube playlist, and for paper two, I only revised the PYQs of five years. Also, ma'am had a playlist, have a playlist for PYQs, and I followed that. I think this is sufficient for anyone. Last 5 year PYQs are efficient for paper two. Right. So I revised again. At last, I revised all the 20 units with one of my close friend, because there are many factual parts we have to remember. So if we try to discuss with someone, then we can easily remember the questions. Right. So now my theory practice and revision was over. Now the last step was I have to prepare myself with the mocks. Again, I had not purchased any mocks. In last few days, I took only 4 mock tests, four previous year questions of 3 hour length. This will help mock test will help you to remove the exam anxiety and boost your confidence. Now, as I have took 4 mock tests, I was good to go for examination. I believe in my hard work that I have made for last 40 days. And I believe that a divine force will ultimately act in your favor if you remain true to yourself throughout the preparation. Then I am saying I have not exaggerated anything, only mentioned the things I had followed. I had completed all the syllabus and the practice session within 40 to 45 days. I watched all your videos in 1.5x speed. I hardly invested 500 rupees for this examination. I had not read any specifically any books, but I will recommend if you have time, go for books, because book reading will surely develop your faith in the subject. I will suggest everyone to have your own notes. Again, as there are a lot of factual questions in the whole syllabus, you have to find a friend with whom you can discuss all the 20 units thoroughly before the exam. It will really help. That's it. प्रवीण जब बोल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ही स्ट्रेटजी वीडियो बना रही हूँ, सारे शुरू से लेके लास्ट तक पॉइंट की, पहले प्रिंट कर लो, हार्ड कॉपी प्रेफर करो, मैराथन्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, एंड मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दी है इन्होंने, 15 डेज स्ट्रेटजी शाहिद ने बता दी है कि लास्ट मोमेंट पे जो है आप मैराथन्स देख लीजिए. राज, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था. वो मैं बस एक चीज बताना चाहता हूँ, वो हर एक एस्पिरेंट जो ये वीडियो देखेगा, तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था और मैंने भी बहुत सी लोगों को ये सेम बात बताई जब उन लोगों ने बताया कि आप मन नहीं लगता पढ़ने का, तो मैं बस एक चीज बता रहा हूँ कि उनको ये बताता था और सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है वो ना ही मेरा स्कूल का है ना ही मेरा इंस्टीट्यूट का है, ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, तो इसका वेट बहुत ज्यादा है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो वही पहली बार था और आज तक वही तो आखिरी बार है, क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम दिया नहीं. तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, और जिस टाइम पे मुझे लग रहा है कि अभी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, अभी मूड नहीं चल रहा, और उसी टाइम पे मेरा जो ओपोनेंट है, मैं ओपोनेंट मतलब मुझे हिंदी में पता नहीं कौन सा वर्ड में बताऊं, तो जो प्रतियोगी जो है, हाँ जो कंपटीटर है, हाँ मैम, तो उसी वक्त जो मेरा कंपटीटर है वो पूरा का पूरा इंडिया में, पता नहीं वो कश्मीर में है या फिर कन्याकुमारी जो बोलते हैं नॉर्मली, वो कहीं पे भी तो बैठ के पढ़ रहा है, मतलब जिस टाइम पे मेरा मूड स्विंग कर रहा है वो तो पढ़ रहा है, उसके पास लाइट हो या ना हो, कुछ भी हो ना हो, कोई तो है जिस टाइम पर मैं रुक जा रहा हूँ वो पढ़ रहा है. तो ये बात याद रखना पड़ेगा कि छोड़ना नहीं, अगर मैं एक घंटे के लिए भी सोचूं कि मेरा अभी मूड नहीं कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ अभी एक घंटे के लिए, पर एक दिन के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मेरा जो कंप्यूटर है वो आगे जा रहा है. ये बात अगर कोई सोचेगा ना, और कोई डीपली कोई सोचेगा तो उसको नींद नहीं आएगा, जैसा मुझे नहीं आ रहा था वो 2 महीना. और एक चीज जो है कि पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, हर तरीके के इंसान होना चाहिए, तो कोई भगवान में विश्वास करते है, कोई विश्वास नहीं करते है, बट आप जिसमें भी विश्वास करते हैं वो भगवान हो या फिर
एनी टाइप ऑफ ट्रू डिवाइन पावर जो भी आपकी संस्कार में हो, आपके धर्म में हो, उन पे बिलीव कीजिए, और जो नहीं करता वो साइंस पे बिलीव कीजिए, मैंने जो करा है वो तो करवा देगा मुझे, और जो करते हैं वो बिलीव कीजिए कि कोई तो है जो मेरा हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तो मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं खुद करता था। जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन चालू किया था, मैं हर रोज उठ के भगवान को बोलता था, आज का दिन जो मैंने टाइम टेबल सेट किया है, या फिर मतलब टाइम टेबल मेरा कुछ भी नहीं था, नेसेसरी काम के अलावा जो भी टाइम था वो बस यूजीसी नेट के लिए ही था तब। और हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो टाइम टेबल होते ही नहीं कुछ, टाइम टेबल फॉलो किया जा ही नहीं सकता। मैंने टाइम टेबल बनाया कि सुबह 6 बजे उठ के मैं रिविजन दूंगा 8 बजे तक, 6 बजे उठने के जगह 6:15 हो जाएगा तो फिर मेरा टाइम टेबल क्या हो जाएगा, 8:15, ऐसा हो नहीं सकता। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि टेंशन में मुझे नींद ना आए, और जब मैं सुबह जागूं तो पहले मैं रिविजन करूं, जब तक मुझे इनफ ना लगे कि पिछले दिन का चीजें मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि कुछ यूनिट बड़ा होता है, कुछ यूनिट छोटा होता है। और उसके बाद दिन में जो नेसेसरी काम है, खाना बनाना, खाना लेना और नहाना, अगर मेरे जैसा बहुत तभी यूनिवर्सिटी ओपन रहेगा तो यूनिवर्सिटी में जाना, या फिर जिसका जो भी काम होता है वो नेसेसरी काम को भी जितना हो सके छोटा करके लाओ, ताकि बहुत ही कम समय में हो जाए। और उसके बाद जितने भी टाइम तुम दे सको विदाउट एनी टाइम टेबल और विदाउट स्कीपिंग एनी टाइम, तुम वो यूजीसी नेट के लिए दो। और कभी भी ये ट्राई मत करो कि मैं तो इस यूनिट को खत्म कर दूंगा इसके अंदर जो भी है, क्योंकि तुम जितना भी पढ़ो वो यूनिट खत्म नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपको नहीं, स्टूडेंट्स को लगेगा कि यूनिट मैंने खत्म कर लिया है जो भी यूनिट में लिखा है, क्योंकि यूनिट में जो भी लिखा है वो इनफ नहीं है। वो जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा कनेक्ट होता था कि जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना वो तो यहाँ से बनाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें क्रैक करना है एग्जामिनेशन तो जो क्वेश्चन बना रहा है उससे आगे सोचना पड़ेगा कि वो कैसे सोच सकते। तो मेरा जो प्रिपरेशन था, और मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा किसी के भी बातों को, लेकिन मुझे खुद मोबाइल से पढ़ते पढ़ते मेरा ऐसा हो गया है कि हालत में मैं हार्ड कॉपी पढ़ नहीं सकता। मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि दिमाग में कुछ आते ही नहीं हार्ड कॉपी से, अगर वही चीज़ मैं PDF में पढ़ूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो वीडियोस देखे, अगर उनको जैसे भी अच्छा लगे वो वैसे करे, वो पढ़े, लेकिन टाइम मत छोड़े। जिस भी टाइम मैं रेस्ट करूंगा या फिर वो रेस्ट करेगा, उसका कंप्यूटर उस टाइम आगे निकल जाएगा, रेस ऐसा ही है कुछ। और जब एग्जामिनेशन सामने आ गया था तब तो मेरा कुछ ऐसा रूटीन हो गया था, हर रोज 3 से 4 बार हनुमान चालीसा सुनो, क्योंकि हनुमान जी सारे वो जो भी प्रॉब्लम है वो सब हटा देगा। और ऐसा हुआ कि मैम एग्जामिनेशन सेंटर में, जो पता नहीं मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ एग्जाम के साथ, लेकिन वो साइकोलॉजिकली मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि अगर मैं टेंस हुआ तो जो क्वेश्चन कंडक्ट कर रहा है UGC जीत जाएगा, अगर मैं टेंस होकर एक आंसर गलत दे दिया तो UGC जीत गया, वो मुझे हरा देगा। तो और मुझे ऐसे चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिससे मेरा चैलेंज है नहीं मैं उससे भी चैलेंज लेता हूँ, उसे बिना पता लगा कि मैंने उससे चैलेंज ले लिया। तो मैंने बस ऐसे सोचा था, एग्जाम हॉल में जाके मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो मुझसे बड़ा है बहुत, क्योंकि मैंने तो अभी तक MA भी नहीं किया थे, तो बहुत ही लोग थे। और मेरे जो दो दोस्त थे वो भी मेरा सेम ही रूम में हुआ था, मतलब इतना अच्छा लगता मेरा कि हम लोग सेम ही रूम में गए एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर था। और मैं जब वहाँ पर बैठा तो सबसे पहले, क्योंकि मैं भगवान में बिलीव रखता हूँ, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और मैंने ऐसा बताया कि और जो भी भगवान है स्पेशली हनुमान जी आप याद रखना, इतने वक्त आपने मुझे हेल्प किया, आगे भी करना। और मैं किसी को भी ऐसा नहीं कि मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे भगवान मुझे सपोर्ट करना, इन दोनों का नाम लिया तो बाकी पूरा मत मान लेना क्योंकि मैं मेंटली सोचता है कि अगर मैंने मेंटली स्ट्रांग हो गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज नॉट इनफ, नॉलेज कभी भी इनफ नहीं है, UGC नेट हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक लाइन के एग्जामिनेशन के अलावा, कि बस नॉलेज क्रैक नहीं करवा सकता। तो जब मैंने वहां पर बैठा मैंने देखा कि मेरे आसपास जो लोग थे वो माथा ठोक रहे हैं एक टेबल के साथ कि क्या करेगा, 5 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी गुनगुना रहा। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त के पास गया, उससे मैं पता नहीं बोलना ठीक होगा कि नहीं, मैंने उसे बताया कि देख अगर डिरेक्शन का मैथमेटिक्स आ गया तो एक काम करना, हमारे पास तो स्केल नहीं है और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो अपनी उंगली से या फिर मास्क पे देख एक डॉट लगा हुआ है,
उससे डायरेक्शन का एक स्केल बना लेना वो एडमिट कार्ड से, उसके बाद कर देना ऐसे ही हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर आए तो 3 सेंटीमीटर आगे चला जाना, ऐसे कर देना हो जाएगा। और अगर आईपी एड्रेस पूछे कि ऐसे आईपी एड्रेस हो, तो देख मेरा जो एडमिट कार्ड है ना उससे नीचे ही एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में जो आएगा उसको टिक लगा देना। ऐसे ही मतलब एग्जाम हॉल में मैं खुद जा रहा हूँ पहली बार के लिए, मेरा मैं टेंस हूँ, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आने दूंगा कि मैं टेंस हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं टेंस हो गया उसी टाइम यूजीसी जीत गया। क्योंकि टेंस में आके बहुत सारे गलत होते हैं, मैंने भी गलत किया था। एक क्वेश्चन था हमारे वो एग्जामिनेशन में कि ओजोन लेयर वो कौन सी लेयर में है वायुमंडल का, तो मैंने आखिरी के 5 मिनट में मिनिमम 20 बार उस आंसर को चेंज किया और आखिर में गलत दे के आया। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपने आपकी वीडियो में एक जगह पर क्रिएटिव कॉमन का लोगो दिखाया था। मैंने ये चीज दूसरे किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में आज तक नहीं देखा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद मैंने चेक किया था वो, तो मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा था कि मैंने ऐसा लोगो दिखा था और वो थोड़ा अचानक से आ गया था वो क्वेश्चन कि लोगो पूछ रहा है यूजीसी कि कौन सा लोगो है वो चूज करो, कभी नहीं देखा था ऐसा क्वेश्चन। तो मैंने बस बहुत मतलब एक दो मिनट मैंने सोचा क्या दूँ, और माइंड में ऐसा चलता था एक क्वेश्चन गलत करेगा और अगर उसके लिए ना आए तो फिर मतलब चला गया JRF हो या नेट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूनिट का ऐसा कोई भी जगह नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने एक चीज़ मैं आपके बारे में एक अच्छा बात बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा हर एक यूट्यूबर ने बताया, जब मैंने वो 2 महीने पहले शुरू किया था तो यू ही नॉर्मली मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2 मंथ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर 1 मंथ, तो हर एक ने बताया कि इनफ है, आप पूरा का पूरा नहीं कर सकते, आप 8 यूनिट कीजिए, 7 यूनिट कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा यूनिट खत्म करना है। लेकिन आपने बताया था कि अगर JRF के लिए जा रहे हो तो छोड़ना नहीं, अगर कुछ भी छोड़ दिया तो होगा नहीं। मैंने आपके वीडियो में बहुत बहुत बार ये बात बोला है, तो मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में बस कि सबको अपनी जो ब्रेन है उसको काम रखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मैं चैलेंज ले रहा हूँ यूजीसी से, और यूजीसी से भी अगर स्पेसिफिक करूँ तो जगदीश महाविद्यालय सर से क्योंकि वो है चेयरमैन और मुझे उनके एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे चैलेंज लेके काम रहना पड़ेगा अपनी एनवायरनमेंट में जो भी चीज अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी उंगली से वो कुछ लाइन काट के मैं एक आंसर करेक्ट कर दूं तो मैंने वो देख के किया है या फिर कोई अनएथिकल काम किया है, क्योंकि वो मेरा एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो बाहर से लेके गया या फिर कुछ भी किया, अब हाथ पैर भी ना लूं तो क्या होगा। तो ऐसा करो कि अपनी एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा काम पे लगाओ, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो पढ़ो, अगर बुक नहीं है तो यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, क्योंकि मैम मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था और इसीलिए आज तक मैंने ग्रेजुएशन में 2-3 बुक खरीदा था, उसके बाद मास्टर्स में एक रिसर्च का बुक खरीदा था क्योंकि वो हमारे एक टीचर ने लिखा था और मैंने सुना था वो बुक बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने खरीदा था वो। और टीचर ने मतलब मैं बुक लिखूंगी तो सब लोग खरीदोगे। तो मतलब मैम जिसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका ही प्रॉपर इस्तेमाल करो, 100% से ना हो तो 110% यूज करो, क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि एक्सक्यूज कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने एक्सक्यूज दिया कि मेरे पास ना बुक नहीं था तो क्या हुआ, फ्री में कितने अनएथिकल बहुत ही उपाय है बुक डाउनलोड कर लेने का, गूगल में पूरा का पूरा पड़ा है। अब अगर मैं नॉलेज के लिए भी अनएथिकल काम ना करूँ तो फिर जो क्राइम कर रहा है वही ठीक है। ये तो करना पड़ेगा, दिमाग को काम रखो, जो टाइम टेबल सेट किए हो वो मत फॉलो करो, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जा सकता। दिन में जितने भी टाइम अवेलेबल है वो यूज करो, क्योंकि वो तो कोई टाइम टेबल के अंदर नहीं है वो। अगर मैं और एक ऐसा साइकोलॉजिकल चीज होता है कि मैंने अगर टाइम टेबल सेट किया कि 6 बजे मैं बैठूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 बजे तक तो मेरे पास रेस्ट करने का ही टाइम है, अब मैं रेस्ट कर सकती हूँ। 5:59 में भी लगता है अभी भी 1 मिनट है रेस्ट करने के लिए, कोई नहीं मैं तो 6 में बैठ ही रहा हूँ, और अगर 6 में कुछ काम आ गया तो फिर 7 में चलो 1 घंटा पीछे कर लेता हूँ, रात को 1 तक पढ़ लूंगा। ऐसा होता ही नहीं है टाइम टेबल, मतलब अब हर एक के लिए तो नहीं होता, ये सब्जेक्टिव चीज है, कोई बुरा ना माने अगर वो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है करो, बहुत ही अच्छा टाइम टेबल डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एग्जामिनेशन अगर कोई शॉर्ट टाइम पे कम्प्लीट करना चाहता है तो टाइम टेबल बनाओ मत, दिन में जो भी टाइम है वो पूरा का पूरा यूज करो, हो सके तो 12 घंटा पढ़ो, 4 घंटा नेसेसरी काम करो और बाकी का 8 घंटा सो जाओ, इनफ है अगर कोई ऐसे सोचे। और सबसे मतलब सबसे बड़ा जो चीज है चैलेंज लो और अपने आप को काम रखो और ऐसा सोचो कि मेरा ऑल इंडिया लेवल पे जो कंपटीटर है मैं उन सबसे आगे जाऊंगा। वेरी गुड, मुझे ऐसे लगता था मैं ही ज्यादा बोलती हूँ।
मेरे से भी ज्यादा बोलता है नहीं, कोई मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपने एक नर्वसनेस है मैम, मतलब नर्वसनेस में मैं कुछ ज्यादा ही बोल लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो आपके आपके साथ गूगल मीट में जुड़े रहना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज है। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपने मुझे कनेक्ट किया तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सोच सकते हैं कि मैंने किसी को मना कर दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा नहीं। तो मतलब मैं हर एक को उतना ही क्रेडिट देना पसंद करता हूँ जितना कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो एक ऐसा वर्ल्ड में चला जाएगा कि हर लोग मुझे क्रेडिट दे रहा है तो मैं तो बहुत कुछ बड़ा हूँ, और कोई भी बड़ा नहीं होता और उनसे भी बड़ा कोई ना कोई होता है, जैसे मेरे से बड़ा आप है और आपसे भी बड़ा कोई है और वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा हमसे तो ऐसा कि टेंशन में मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ, तो मुझे पता है और थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाता है मेरा। ऑफलाइन टीचिंग के लिए आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे क्योंकि ऑनलाइन में तो देखो शायद मेरी पूरी वीडियो नहीं सुनते, मैं इतनी कॉम्पैक्ट रखती हूँ, आप अगर बहुत एक्सप्लेन करने लग गए तो ऑनलाइन में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा शाहिद ने भी हैंड रेज किया था, आप भी बता दीजिए सर। नहीं मैम, जो मैं बोलना चाह रहा था वो तो मैं भूल गया, लेकिन एक चीज था कि आप मध्य प्रदेश में शायद किसी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाह रही थी। नहीं, मुझे यहीं से ही करना है, मेरे होम टाउन से। मध्य प्रदेश का तो नहीं बोला था, बट क्या 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 बात है, किसी वीडियो में आपने कहा था होम टाउन, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मध्य प्रदेश या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बताया था। कौन सा होम टाउन है मैम आपका? मेरा कुरुक्षेत्र है, तो मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने कहा था है ना। तो इन्होंने कहा ना कि मतलब गूगल मीट पे जुड़े हुए तो बड़ी बात है, मैं आपके यूनिवर्सिटी आने वाला था कभी ना कभी आपसे मिलने के लिए, कि पीएचडी में आप रहोगे तो 5 साल है अभी, लेकिन मैं सोचा था जिस दिन जेआरएफ होगा उस दिन जाऊंगा है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, मिल लिए हम लोग अभी, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है, उनमें से एक ये भी है। सो आई थिंक कंक्लूजन अगर मैं निकालूं हमारी टॉक का, जो नए स्टूडेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं, सो टाइम टेबल तो जैसे बहुत अच्छे से राज ने बता ही दिया, टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, जब भी टाइम मिले पढ़ लो बस, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज, हाँ, कॉम्पिटिशन, जैसे मैं कल भी कह रही थी कि अगर किसी का हुआ है तो मतलब किसी का तो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता सबका हो जाए, वही 6-7% का होगा, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका हो जाए, तो वो आपका होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और तो फिर पढ़ ही रहा है जिसका होना है। बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि मैराथन्स देख लीजिए, अगर बिल्कुल ही कम टाइम है, और उससे ज़्यादा टाइम है तो डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए जैसे प्रवीण ने बोला, और बाकी तो फिर पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, और छोड़ के कुछ मत जाइए, क्योंकि कई यूनिट्स में बहुत सारे इजी पॉइंट्स भी होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स, जो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, ठीक है। सो वही कंक्लूजन निकलता है जो मैं स्ट्रेटजी वीडियो में बताती हूँ, यहाँ इन लोगों ने भी द एग्जाम्पल प्रूव कर दिया है कि हाँ वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, ठीक है। सो और किसी को कुछ कहना है तो बोल लीजिए भाई, नहीं तो फिर हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। ऑल ओके, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा बोला, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी मैथमेटिक्स मत छोड़ के जाना, ये बहुत ही मतलब मैं जूनियर को ऐसा बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स तो ऐसे है कि फ्री का नंबर दे रहे हैं वो लोग, कि आप अगर सही लगा के जाओ फिर तो आपने पक्का कर लिया, और 20 नंबर यो ही मिल रहा है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। कुछ टफ जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मुझे लगा था कि जो आईसीटी का यूनिट है वो थोड़ा टफ है, क्योंकि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा, हमारे बारे में तो पूछ लिया था कि कौन सा रैम का प्राइस ज्यादा है, तो किसी को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा। और सेकेंड पेपर जो एडुकेशन ही हमारा पेपर है, मतलब हम अगर 5 साल से हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो कोई वीक जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा स्टैटिस्टिक्स था तो मैंने बस वो हिंदी में क्या कहते हैं, रट्टा मर लिया था मैंने, कि अगर ऐसे ऐसे वैल्यू देकर क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये स्क्वायर कर लेना है, इससे इसको डिवाइड कर लेना है। आपके चैनल में थे वो कुछ ही 5 से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बस रट्टा मर लो कि ऐसे आ जाएगा, और जो टफ यूनिट है ऐसा कैलकुलेशन करके जाओ कि वहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन करेक्ट करना है 5 में से। और जो इजी है, इजी तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो कि नॉर्मल है जो हमने बहुत दिनों से पढ़ा है, वहां पर 10 क्वेश्चन में से टारगेट रखोगे 7 मिनिमम करना है, अगर 7 टारगेट रखेंगे तो किसी में 7 होगा किसी में 6 होगा, 6.5 में आने का बहुत ही बड़ा चांस है। और जो जो फर्स्ट पेपर है उसमें हर एक को मतलब वो हार्ड लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लोग कि वो मेंटली सोच लेते हैं कि ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही टफ है,
जैसे मैंने मतलब मैं वो क्या इगोइस्टिक नहीं बन रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ेगा जो फैक्ट है, क्योंकि मैंने तो दो तीन दिनों में पढ़ा था वो एक एक यूनिट, और एक एक यूनिट में वो जो रिलेशनशिप के जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन, वो बहुत ही टफ होते हैं, और मैंने भी वो फेस किया था। दो दिन के जो पहला दिन था तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, रात भर सोचता था कि मैंने क्या पढ़ा, ये कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रारी कैसे निकल रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो खुद सोचो दिमाग में कि चीज़ें कैसे होते हैं, और कभी भी किसी भी मतलब अगर हमारे UGC नेट का सिलेबस में है तो कोई चीज़ अगर रट्टा मारना है वो अलग चीज़ है, जो कि प्रैक्टिकली में किया जा सकता है वो उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि बताओ अगर इसके बाद ऐसा कर लिया तो कौन सा रिसर्च है, वो बताएगा अगर टीचर ने ऐसा किया उसके बाद ऐसा किया तो वो कौन सा रिसर्च में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग शायद हमें थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन वो थियोरिटिकल क्वेश्चन से कुछ कम भी नहीं पूछ रहा, वो खुद थ्योरी लिख रहा है और आपको बता रहा है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, आपको बस अपना ओपिनियन देना है कि उन लोगों ने सही बताया कि गलत। तो जो इजी के जो यूनिट्स है वहाँ पर 7 का तो टारगेट रख के जाओ, और जो खराब है उनमें 2 रख के जाओ, तो अगर सबका एवरेज निकल जाएगा तो यूँ ही अच्छा हो जाएगा। और मैथमेटिक्स कभी भी मत छोड़ो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, और अगर मुझे इजी लगता है तो इंडिया में जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी कर लेगा, क्योंकि मैं भी एवरेज हूँ। तो ऐसा करके हर एक यूनिट को पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, ऐसे ही प्रिपेयर करो, और मेंटली स्ट्रांग रहना कि जो मुझे नहीं आता वो भी मैं समझने नहीं दूंगा कि मुझे नहीं आता, क्योंकि अगर एग्जामिनर समझ गया कि मुझे नहीं आता फिर तो गया मेरा एग्जाम। और सबके ऊपर प्रभु का नाम लो, भगवान कृष्ण सबको देख रहा है और किसी भी टाइम पे वो हमारी हेल्प करेंगे, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, शायद बोल रहे थे मैम, अब हम भी बता ही देते हैं। जैसे ये जो बहुत ज्यादा जो ये परवीन कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है, और हम खुद जब एग्जाम दे रहे थे तो हमारे साथियों का पहले अटेम्प्ट में निकल गया और मेरा जो है नहीं हो पाया। पहले पेपर में 30 आया, दूसरे में 49 आया, क्योंकि दूसरा पेपर मेरा थोड़ा सा एजुकेशन के लिए, मैं खुद को एजुकेशन डिपार्टमेंट अनफिट मानता था, तो इसमें बस बात बनाना ये वो पता नहीं क्या क्या था, है ना, बंदर और बिल्ली सबके साथ। तो मैथमेटिक्स है मेरा पुराना, तो इसलिए हम उनको बोलते थे कि यार अभी बहुत अटेम्प्ट है, मेरा 20-25 अटेम्प्ट है ना, प्रीवियस ईयर से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लोग बोलते थे कि वो तो है लेकिन सब हर अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट मानना है तभी होगा। तो हम बोले ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैथमेटिक्स इन्होंने जो राज कर रहे थे कि सिंपली क्या है, मैथमेटिक्स आपका जो DI है, रीजनिंग है, और जो आपका पैराग्राफ है, और फिर ये क्या है कॉम्प्रिहेंशन, जो ये इससे 30 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, इसमें ना 1 से 2 को से ज्यादा गलती नहीं कर सकते। 30 हमेशा ही दोस्त को बता, 30 ऐसे सही हो जाएगा, बाकी बचा 120, इतना पढ़ रहे हैं तो 55-60 सही होगा ही होगा, 80 ऐसे हो गया, अब बाकी बचा 60-65 क्वेश्चन, उसमें से वही तुक्का मारेंगे, 15 तो सही हो ही गया, 100 होना है, हो गया ऐसे ही समझ। अब पिछली बार मैं क्या किया कि एक सेट बस मारा मैं प्रीवियस ईयर वाला, और उसमें मेरा 102 आया, 35 पेपर 1 में, पेपर 2 में जो है सो 67, 102 आया। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, बोला कि आप कुछ और नहीं पढ़ेगा, हो गया है ना, हो गया। और जब गए एग्जाम देने तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, नॉलेज बेस्ड, और रट्टा मार क्वेश्चन से मेरे बहुत सिर का दर्द है ना। प्रीवियस वाले में एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ कि प्रीवियस एग्जाम में जो मार्च में हुआ उसमें मैं 11 क्वेश्चन में टिक नहीं लगा पाया है ना, नहीं तो पिछले बार ही हो जाता, क्योंकि 11 में से 2 भी सही हो जाता तुक्का में भी तो हो जाता, लेकिन नहीं टिक लगा पाया क्योंकि मैं सोचा कि जो कन्फर्म है उसी को मारेंगे, अब फिर गिन लेंगे कि इतना हो रहा है तब तुक्का मारेंगे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब होना था तब होगा। तब इस बार जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, एग्जाम तक ये निकले तो हम खुश नहीं थे उतना, है ना, बाकी सब बड़ा खुश था, जो रट्टा मार स्टूडेंट सब था, तो अरे मेरा इतना आ रहा, हमको लग गया था कि 100 के कम होगा तो फिर इस बार भी रह जाएगा, लेकिन इस बार पूरा पूरी 95 रह गया, तो हम बोले चलो भाई इस बार बहुत नीचे आ गया, काम हो गया। तो यही था मैम। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप जैसे कि वीडियोज और भी कई वीडियोज अलग अलग चैनल या अलग अलग चीजों पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा बनने की कोशिश करते हैं खुद को दिखाने की, मतलब आपका जो है आप जितना भी जेन्यून रहते हो, जो आप हो वही रहते हो, ये दिखाई।
है ना, तो इसलिए आपको ज्यादा बच्चे इस वजह से और फॉलो करते हैं। और आप अगर किताब लिखोगे तो नेट और जीआरएफ की तैयारी के लिए इस पे लिखो आपको जो है पहले से ऑर्डर रहेगा। हाँ मतलब जब राज जो उनको शायद पसंद भी ना हो उन टीचर की बुक खरीद सकते क्योंकि हाँ। उन्होंने लिखी है जबकि वो बुक्स खरीदते भी नहीं है, तो मेरी खरीद लोगे, मुझे समझ आ गया। प्रवीण आप बता दीजिए क्या कह रहे थे। सबने सोचा अब राज ने इतना सारा बोल लिया हम भी ऐसे अदला बदला करके जाएंगे। Yes, I mean, in conclusion, I will say, as I have said, the exam is not really difficult. Or, so don't get disheartened if you have failed this time. Start afresh, following that inculcated learning. If I can crack it in my first attempt, you also can. So best of luck to everyone. Very good, Praveen. Thank you. मैं भी लास्ट में कुछ ऐड करना चाहूँगी क्योंकि सब लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया है और मेरा भी ओपिनियन ये है कि सबका मतलब मेरा ही फर्स्ट पेपर इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, मैथ्स मेरा वीक था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको कि जो जो भी हमसे हो पाती है या 3 यूनिट में वही मतलब वो तो मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट में ये हेल्प होता है कि टीचिंग और रिचार्ज ये तो ओवरलैपिंग होते हैं फर्स्ट पेपर से, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा मतलब वो हमारा बेसिस क्लियर करने के लिए अच्छा है। तो मतलब मेरा तो यही होता है कि हर समय एग्जाम में मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ और नर्वस हो जाती हूँ, तो मुझे वो एग्जाम में जो नॉट होता है नॉट कभी नहीं दिखा। इस बार भी मुझे सावित्रीबाई फुले का जो क्वेश्चन था नॉट मुझे नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका प्रिपरेशन इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो आपका जो भी है वो उसमें ही अच्छे से प्रिपेयर करके और मैथ्स और डीआई ये भी लगाना चाहिए, और फिर जो लास्ट में 3 आवर्स एग्जाम के दिन पे वो काम एंड कूल होके देना चाहिए और फुल्ली हाँ मतलब अपने आप पर विश्वास रख के, और वही जो आप जिस पे भी विश्वास करते हैं अपने माता पिता का नाम लेके अच्छे से फुल प्रिपेयर होके जाना है, और ऐसे करके मतलब देख लेंगे जो भी होगा ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर 3 आवर्स अच्छे से निकल सकते हैं हम तो कोई भी काम हो सकता है। मैं यही बोलना चाहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू आप सभी को। एक बार आप लोग मुस्कुरा दीजिए साथ में ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि काम रहिए जो आप एग्जाम देके आ रहे हैं उस टाइम पे, एंड बाकी तो स्ट्रेटजीज वगैरह सारी बता रखी हैं इन लोगों ने भी बता दी हैं, एंड सिर्फ इनकलकेट लर्निंग से पढ़ के भी हो सकता है आपका नेट एंड जेआरएफ। मैं पहले ही बोलती थी कि सिर्फ मैराथन एक बार देख जाओगे तो अभी नेट तो हो ही जाएगा, मतलब नेट में तो कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, और वही चीज़ आज प्रूव हो रही है, एंड ये हमारी पहली लाइव है आप लोगों से, लाइव टॉक है, सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड जब इनका हो सकता है मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, सो हम सब भी आप लोगों की तरह ही हैं, बिल्कुल एवरेज, बस थोड़ी सी मेहनत करने की देर है, तो पढ़ते रहिए एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।